All right, students, let's continue our lecture. Good morning again. Good morning. Good morning. All right, let's continue our lecture. हमने last lecture में जो last page हमने design किया, that is get emp.aspx page, उसके ऊपर हमने department number user के पास से get करने के लिए text box control का use किया था, get button रखा था. और गेट बटन की क्लिक इवेंट पे हमने जो रीडायरेक्शन का जो लिखा था उसके साथ साथ हमने क्वेरी स्ट्रिंग भी फॉर्म की थी, राइट. और ये क्वेरी स्ट्रिंग के साथ क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर हमने डिपार्टमेंट नंबर पास किया था ऑन एम्प्लॉय इन्फो डॉट एएसपीएक्स पेज, राइट. सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डिजाइन एम्प्लॉय इन्फो डॉट एएसपीएक्स पेज. तो इसको हम क्लोज कर देते हैं. लेट्स ओपन एम्प्लॉय इन्फो डॉट एएसपीएक्स पेज. इट्स ओवर हियर. नाउ ऑन दिस पेज आई विल यूज ग्रिड व्यू कंट्रोल. अगेन आई रिपीट, ऑन दिस पेज आई विल यूज ग्रिड व्यू कंट्रोल फ्रॉम द डेटा टैब. तो मैंने यहाँ पे डीआईवी टैब के अंदर कर्सर रखा और यहाँ पे मैंने ग्रिड व्यू कंट्रोल को प्लेस किया. वी हैव ऑलरेडी सीन What is the significance of grid view control? वो हमें tabular format के अंदर हमारे records हमें display करके देगा. Alright. So, choose data source में से again we will select new data source. Right? I will select SQL database. That is data source type. यहाँ पे data source ID आ गया. I will click on OK. Right? OK पर क्लिक करने के बाद हमें कनेक्शन स्ट्रिंग पूछ रहा है. आई विल सिलेक्ट कनेक्शन स्ट्रिंग, दैट इज द नेम ऑफ माय कनेक्शन स्ट्रिंग. दिस इज अवर कनेक्शन स्ट्रिंग व्हिच वी हैव फेच्ड फ्रॉम web.config फाइल. आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट. नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली वो हमें विजार्ड देगा कि जिसके अंदर से हम टेबल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम उसके फील्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं. तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिलेक्ट PBL employee table, right? और PBL employee table के साथ साथ I will select employee number, employee name and salary field. मुझे department number नहीं चाहिए because department number तो already मैंने ही दिया होगा, इसके ऊपर से मुझे उसके employees मिलेंगे. So I need three fields, that is employee number, employee name and salary. Now over here the situation is that कि मुझे ये थ्री फील्ड तो चाहिए ही एम्प्लॉय की, बट मुझे ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जिसका डिपार्टमेंट नंबर मैंने गेट emp.aspx पेज के ऊपर यूजर के पास से गैदर किया था, राइट. सो मीन्स वी नीड टू एड वेयर क्लॉज ओवर हियर, राइट. सो वेयर क्लॉज हमें पता है कि हम कैसे एड कर सकते हैं. वी विल क्लिक ऑन ऑब्वियसली वेयर बटन. वेयर बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया. इट विल आस्क मी कि कौन से कॉलम के ऊपर मुझे वेयर क्लॉज सेट करना है. ऑब्वियसली हमें डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर वेयर क्लॉज सेट करना है बिकॉज डिपार्टमेंट नंबर हमने यूजर के पास से गेट किया है. ऑपरेटर बहुत सारे ऑपरेटर है, बट ओवर हियर आई वांट टू यूज इक्वल टू सोर्स. अब मुझे ये डिपार्टमेंट नंबर के वेयर क्लॉज के अंदर वैल्यू कहाँ से मिलेगी. ऑब्वियसली मुझे क्वेरी स्ट्रिंग में से वो वैल्यू मिलेगी. So from this list, I will select query string, right? जैसे ही मैंने query string को select किया, यहाँ पे मुझे query string field पूछ रहा है. Query string field मतलब query string के अंदर हमने कौन सा variable name दिया है, जिसके अंदर query string के अंदर value होगी. तो हमने variable का name दिया था DNO. तो मैं यहाँ पे DNO लिखती हूँ, right? तो क्वेरी स्ट्रिंग फील्ड के अंदर मैंने क्या लिखा, DNO. डिफॉल्ट वैल्यू अगर आपको देनी है तो आप यहाँ पे दे सकते हो, राइट. फॉर एग्जांपल अगर आपको 10 देनी है तो आप यहाँ पे 10 दे सकते हो. मतलब अगर क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर उसे कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है तो वो कौन से डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करेगा, वो 10 नंबर के डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा. अब यहाँ पे आप देख सकते हो SQL एक्सप्रेशन के अंदर DPTNO is equal to @DPTNO. ये जो where clause की field है वो यहाँ पे form हो गई. और उसकी value कहाँ से आएगी, that is request object में जो query string का collection है उसमें से value आएगी. और query string के collection में से कौन सा field हमें means कौन सा variable लेना है,
दैट इज डीएनओ, वो यहाँ पे पैरेंथेसिस डबल कोटेशन के अंदर आ गया। ऑलराइट, एंड लेट्स क्लिक ऑन ऐड। मैंने यहाँ पे ऐड बटन के ऊपर क्लिक किया, नाउ आई विल क्लिक ऑन ओके। सो एज यू आर एबल टू सी ओवर हियर विद इन सिलेक्ट स्टेटमेंट, हमारा वेयर क्लोज यहाँ पे ऐड हो गया है। नाउ अलोंग विद दैट हम एडवांस बटन में ये दोनों चेकबॉक्स भी सिलेक्ट कर लेंगे, ताकि वो इंसर्ट अपडेट डिलीट क्वेरी भी वो अपने आप जनरेट कर दे। वी विल क्लिक ऑन ओके। आफ्टर दैट वी विल सिलेक्ट नेक्स्ट टेस्ट क्वेरी। जैसे ही हम टेस्ट क्वेरी करेंगे, वो हमें पूछ रहा है कि डिपार्टमेंट नंबर में वैल्यू कौन सी देनी है। डिफॉल्ट वैल्यू में हमने लिखा था 10, सो यहाँ पे वो 10 दे रहा है, बट लेट्स चेंज इट टू 20 एंड वी विल क्लिक ऑन ओके। सो वो हमें ऐसे ही रिकॉर्ड्स देगा जो डिपार्टमेंट नंबर 20 के अंदर है, दैट इज रिकॉर्ड नंबर एम्प्लॉय नंबर 4 एंड 5, एंड वी विल क्लिक ऑन फिनिश। ऑब्वियसली हमने फिनिश के ऊपर क्लिक किया, सो हमें ग्रिड व्यू के अंदर वो फील्ड्स के नेम दे रहा है, और यहाँ पे स्मार्ट टैग के अंदर वो हमें बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा है, दैट इज एनेबल पेजिंग, एनेबल शॉर्टिंग, एनेबल डिलीटिंग, एनेबल एनेबल एडिटिंग, एनेबल डिलीटिंग। सो मैंने इतने जो लिंक्स थी वो हमने सिलेक्ट कर, ओके लेट्स टेक इट एज एनेबल सिलेक्शन, वो भी हम ले लेते हैं। देखो जैसे ही मैंने वन बाय वन सारे चेक बॉक्सेस सिलेक्ट किए, हमें यहाँ पे ग्रिड व्यू के अंदर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही मैंने एनेबल पेजिंग किया, यहाँ पे पेजेस बन गए। एनेबल शॉर्टिंग किया, सो यहाँ पे जो फील्ड के नेम्स थे वो हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो गए। एडिटिंग, डिलीटिंग और सिलेक्शन के लिए यहाँ पे लिंक्स ऐड हो गए, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन कनेक्ट ग्रिड व्यू विद द टेबल ऑफ अवर डेटाबेस, और उसके साथ साथ वेयर क्लॉज के अंदर हम कोई भी सोर्स पे से वैल्यू ला सकते हैं। हमने यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग में से वैल्यू ली थी, और क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर जो हमारा फील्ड का नेम था, दैट इज वेरिएबल का नेम था, दैट वाज डीएनओ, और डिफॉल्ट वैल्यू हमने वहां पे सेट की है 10। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे वो बैक हाइपरलिंक भी प्लेस कर देते हैं, इट्स ओवर हियर। सो हमारी बैक हाइपरलिंक भी आ गई, तो हम सेव करते हैं। Right, let's move on to another page, and the page is dptemp.aspx. I have selected the page that is dptemp.aspx. As the name says, ये पेज के ऊपर डिपार्टमेंट एज वेल एज एम्प्लॉयज के टेबल आएंगे, राइट। अगेन आई रिपीट, एज द पेज नेम सेज, हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं। हमें यहाँ पे कैसे डिस्प्ले करने हैं, हम यहाँ पे एक ग्रिड व्यू में डिपार्टमेंट का टेबल लेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट दूसरे ग्रिड व्यू में हम एम्प्लॉय के टेबल्स डिस्प्ले करेंगे। ऑलराइट, सो अब हम कौन सा पेज डिजाइन करेंगे, दैट इज dptemp.aspx। ये dptemp.aspx के अंदर मैं पहले फर्स्ट ग्रिड व्यू प्लेस करूंगी, जिसके अंदर मुझे डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं। So I will write over here department records, right? And below that I will place grid view control. Obviously, मुझे ये grid view के साथ कौन सा table attach करना पड़ेगा? That is TBL DPT table attach करना पड़ेगा. So choose data source में I will select new data source, SQL database. I will click on OK. I will select connection string, next. एंड आई विल सिलेक्ट टीबीएल डीपीटी टेबल, और उसकी मैं सारी फील्ड्स मैं सिलेक्ट करूंगी। मीन्स मैंने एस्ट्रिक के ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी चेक मार्क है, सो वो मैं रहने दूंगी, राइट। आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू एडवांस्ड, क्वेरीज जनरेट करेंगे, कॉन्करेंसी उसके लिए रखेंगे, वी विल क्लिक ऑन ओके। सो क्वेरी यहाँ पे फॉर्म हो गई है, दैट इज सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टीबीएल डीपीटी। वी विल क्लिक ऑन नेक्स्ट टेस्ट क्वेरी, सो मुझे 3 रिकॉर्ड्स यहाँ पे मिलेंगे जो हमने ऑलरेडी इंसर्ट किए थे, एंड वी विल क्लिक ऑन फिनिश, राइट। फिनिश के ऊपर मैंने क्लिक किया, ऑब्वियसली स्मार्ट टैग के अंदर ऑप्शन है, आई विल सिलेक्ट एनेबल पेजिंग, शॉर्टिंग एंड सिलेक्शन, राइट। आई हैव सिलेक्टेड पेजिंग, शॉर्टिंग एंड सिलेक्शन। ऑलराइट, अब मुझे क्या करना है, जो भी डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड मैं ये ग्रिड व्यू में सिलेक्ट करूंगी,
अकॉर्डिंग टू दैट मुझे सेकेंड ग्रिड व्यू के अंदर एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं. सो ऑब्वियसली आई विल राइट ओवर हियर एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, राइट, एंड बिलो दैट अगेन आई विल प्लेस ग्रिड व्यू कंट्रोल, राइट. अगेन आई हैव प्लेस्ड ग्रिड व्यू कंट्रोल. अब ये जो सेकेंड ग्रिड व्यू है उसके अंदर मुझे एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं. सो ऑब्वियसली मैं कौन सा टेबल कनेक्ट करूंगी, टीबीएल एम्प्लॉय. सो स्मार्ट टैग ओपन करूंगी, चूज डेटा सोर्स, आई विल सिलेक्ट न्यू डेटा सोर्स, राइट. आपको ध्यान रखना है आपको यहाँ पे न्यू डेटा सोर्स सिलेक्ट करना है बिकॉज ये एसक्यूएल डेटा सोर्स वन वो तो डिपार्टमेंट टेबल के लिए है. सो न्यू डेटा सोर्स, एसक्यूएल डेटाबेस, ओके. कनेक्शन स्ट्रिंग में सिलेक्ट करूंगी. नेक्स्ट टेबल में यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी, दैट इज टीबीएल एम्प्लॉय, राइट. टीबीएल एम्प्लॉय सिलेक्ट करने के बाद फ्रॉम एडवांस हम दोनों चेक बॉक्सेस सिलेक्ट कर लेंगे, ओके. वेयर क्लॉज में अब मुझे यहाँ पे कंडीशन देनी है कि ऐसे डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड होने चाहिए, मतलब ऐसे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड होने चाहिए जो डिपार्टमेंट मैंने फर्स्ट ग्रिड व्यू के अंदर सिलेक्ट किया है. सो फॉर दैट पर्पस कॉलम में आई विल सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, ऑपरेटर ऑब्वियसली इक्वल टू. सोर्स में अब क्या होगा, ऑब्वियसली फ्रॉम द सोर्स हमें कंट्रोल में से वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल. जैसे ही मैंने कंट्रोल कंट्रोल सिलेक्ट किया, यहाँ पे मुझे वो कंट्रोल आईडी पूछ रहा है. कंट्रोल आईडी आई विल सिलेक्ट ग्रिड व्यू वन बिकॉज फर्स्ट ग्रिड व्यू का नेम है ग्रिड व्यू वन और सेकेंड ग्रिड व्यू का नेम होगा ग्रिड व्यू टू और डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड ग्रिड व्यू वन में है, इसलिए मैंने कंट्रोल आईडी के अंदर ग्रिड व्यू वन सिलेक्ट किया. आप यहाँ पे जो क्लॉज बना है वो आप देख सकते हो कि वैल्यू कहाँ से आएगी, ग्रिड व्यू वन डॉट सिलेक्टेड वैल्यू. सिलेक्टेड वैल्यू में प्राइमरी की जो कॉलम होगी उसकी वैल्यू होगी. अगेन आई रिपीट, सिलेक्टेड वैल्यू प्रॉपर्टी में प्राइमरी की जो कॉलम होगी उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी, मतलब डिपार्टमेंट नंबर हमें यहाँ पे मिल जाएगा. एंड आई विल क्लिक ऑन एड, आफ्टर दैट ओके, राइट. जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेरी के अंदर वेयर क्लॉज आ गया. नेक्स्ट टेस्ट क्वेरी, वैल्यू मैं यहाँ पे देती हूँ 30, राइट, ओके. तो 30 डिपार्टमेंट के अंदर एक ही रिकॉर्ड है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया. एंड आई विल क्लिक ऑन फिनिश, राइट. एज यू आर एबल टू सी, जैसे ही मैंने फिनिश के ऊपर क्लिक किया सेकेंड ग्रिड व्यू के अंदर हमें एम्प्लॉय टेबल की फील्ड्स डिस्प्ले हो रही है. विद इन दैट अगेन आई विल सिलेक्ट एनेबल पेजिंग एंड एनेबल शॉर्टिंग. सो दिस इज हाउ कि आप एक ग्रिड व्यू में से दूसरे ग्रिड व्यू के अंदर आप कैसे रिकॉर्ड्स ला सकते हो, राइट. अगेन आई रिपीट, आप एक ग्रिड व्यू के सिलेक्शन के हिसाब से आप दूसरे ग्रिड व्यू में कैसे रिकॉर्ड ला सकते हो by selecting where button within that result. Okay, now we will close this page. अब हम जो दूसरा पेज बनाएंगे that is userinfo.aspx, it's over here, right. Obviously as the name of the page is userinfo.aspx, तो हमें यहाँ पे कौन सा table connect करना पड़ेगा, that is TBL users. So उसके लिए again on this page I will use grid view control. तो मैंने ग्रिड व्यू कंट्रोल को सिलेक्ट किया. चूज डेटा सोर्स में से आई विल सिलेक्ट न्यू डेटा सोर्स, एसक्यूएल डेटाबेस, ओके. आई विल सिलेक्ट कनेक्शन स्ट्रिंग. नेक्स्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द टेबल्स आई विल सिलेक्ट टीबीएल यूजर, एस्ट्रिक तो ऑलरेडी है ही, राइट. एडवांस में हम जाएंगे तो ये दोनों चेकबॉक्स भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट. आफ्टर दैट नेक्स्ट टेस्ट क्वेरी, राइट. We are able to see three user details and I will click on finish. Now over here we are able to see कि हमने जो user का table connect किया वो यहाँ पे उसकी fields हमें दिखाई दे रही है, right? I will select enable paging and sorting. Okay. Now what I want to do, यहाँ पे वो image path display करेगा, but image path के साथ साथ मुझे image भी display करनी है, right? So for that purpose, what I need to do, ये smart tag में से I will select add new column. Again I repeat, with from the smart tag I will select add new column. So उसके ऊपर मैं click करूंगी, right?
जैसे ही मैंने एड न्यू कॉलम के ऊपर क्लिक किया, वो मुझे पूछ रहा है कि फील्ड की टाइप क्या होगी। फ्रॉम द फील्ड टाइप कॉम्बो बॉक्स आई विल सिलेक्ट इमेज फील्ड। अगेन आई रिपीट, फ्रॉम द फील्ड टाइप कॉम्बो बॉक्स आई विल सिलेक्ट इमेज फील्ड। राइट, हेडर टेक्स्ट के अंदर आई विल राइट इट एज पिक। हेडर टेक्स्ट के अंदर आई विल राइट इट एज पिक। डेटा फील्ड मतलब मुझे इमेज का पाथ कहाँ से मिलेगा। सो फ्रॉम दैट आई विल सिलेक्ट इमेज पाथ फील्ड। अगेन आई रिपीट, डेटा फील्ड में से आई विल सिलेक्ट इमेज पाथ फील्ड, बिकॉज इमेज पाथ फील्ड में वो इमेज पाथ कॉलम में हमें इमेज का पाथ मिलेगा। राइट, एंड आफ्टर दैट आई विल क्लिक ऑन ओके। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, सी ओवर हियर पिक कॉलम ऐड हो गई। उसके साथ साथ हमें वैल्यू में क्या दिखाई दे रहा है, डेटा बाउंड, मतलब हमने एक्सप्लिसिटली ये कॉलम के साथ एक वैल्यू बाइंड की है। राइट, अगेन आई रिपीट, हमने ये पर्टिकुलर कॉलम के साथ हमने एक्सप्लिसिटली डेटा बाउंड किया है, डेटा को बाइंड किया है। राइट, सोर्स में जाएंगे, सी ओवर हियर। सोर्स के अंदर आप देखोगे तो आपको ये पर्टिकुलर ग्रिड व्यू जो आपने यहाँ पे रखा है, राइट, उसके लिए कितना सारा सोर्स उसने अपने आप लिख लिया है। ऐसी चीज आपको सारे पेजेस के सोर्स व्यू में मिलेगी, बिकॉज हमने इंसर्ट, अपडेट और डिलीट क्वेरी ऑटोमेटिक जनरेट करवाई है। सी ओवर हियर, ये हमारा ग्रिड व्यू कंट्रोल है। ग्रिड व्यू कंट्रोल के साथ जो हमने अभी इमेज फील्ड ऐड की वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। राइट, और उसके साथ साथ देखो, डिलीट, इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट, और ये देखिए उसकी सारी फील्ड्स, उसने इतना सारा सोर्स खुद लिख दिया। राइट, बिकॉज हमने ऑटोमेटिक क्वेरी को जनरेट करवाया है। राइट, ये इमेज फील्ड के अंदर, राइट, जो हमने ऐड किया है यहाँ पे, वो पर्टिकुलर उसने डेटा इमेज यूआरएल फील्ड, वो उसने अपने आप इमेज पाथ हमने जो सेट किया था वो ले लेगा ऑटोमेटिक, और इमेज वो डिस्प्ले कर देगा। राइट, अगेन आई रिपीट, इमेज वो डिस्प्ले कर देगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिजाइन। यहाँ पे हम वो बैक हाइपरलिंक रख देते हैं। आई थिंक हम लास्ट पेज के ऊपर वी हैव फॉरगॉट टू प्लेस बैक हाइपरलिंक, हम वहां पे भी जाके रख देंगे। राइट, ताकि प्रॉब्लम ना हो, इसको हम सेव करते हैं, क्लोज करते हैं। लास्ट पेज हमने कौन सा डिजाइन किया था, आई थिंक DPT EMP। राइट, सी ओवर हियर, उसके सोर्स में आप देखोगे तो उसमें भी आपको बहुत सारा कोड मिलेगा। सी, बिकॉज हमने टू ग्रिड व्यूज रखे हैं और उसके अंदर हमने इंसर्ट, अपडेट, डिलीट क्वेरी को जनरेट करवाया है। राइट, हम यहाँ पे भी बैक हाइपरलिंक रख देते हैं, सेव करते हैं। नाउ द अनदर पेज इज यूजर डिटेल्स डॉट ASP.exe पेज, इट्स ओवर हियर। डिजाइन में जाते हैं, DIV टैग के अंदर कर्सर रखते हैं। नाउ ऑन दिस पेज वी विल यूज डेटा लिस्ट कंट्रोल। अगेन आई रिपीट, वी विल यूज डेटा लिस्ट कंट्रोल। हमने एक बार ऑलरेडी डेटा लिस्ट कंट्रोल को यूज किया है, बट हमने वहां पे वर्टिकल मैनर में लिस्ट जनरेट किया था। हम ये पेज के ऊपर हॉरिजॉन्टल मैनर में लिस्ट जनरेट करेंगे, बट अलॉन्ग विथ दैट हम डेटा लिस्ट कंट्रोल के अंदर इमेज भी डिस्प्ले करेंगे। राइट, सो चूज डेटा सोर्स के अंदर वी विल सिलेक्ट न्यू डेटा सोर्स, SQL डेटाबेस। बेसिक स्टेप्स आपको सारे कंट्रोल्स में सेम परफॉर्म करने हैं। राइट, सो हम अभी थोड़ा फास्टर मैनर में जाएंगे। ओके, कनेक्शन स्ट्रिंग सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, यूजर डिटेल्स पेज है तो ऑब्वियसली हम TBL यूजर्स का टेबल सिलेक्ट करेंगे, सारी फील्ड्स उसकी सिलेक्ट करेंगे। राइट, सारी फील्ड सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट, टेस्ट क्वेरी, रिकॉर्ड्स आ गए, फिनिश। राइट, सो ये वर्टिकल मैनर में आपको लिस्ट दिखाई दे रहा है। नाउ व्हाट आई विल डू, डेटा लिस्ट कंट्रोल को मैंने सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टी विंडो में से आई विल सिलेक्ट रिपीट डायरेक्शन प्रॉपर्टी। सी ओवर हियर, रिपीट डायरेक्शन प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट वो वर्टिकल है, मैं उसको हॉरिजॉन्टल सेट कर देती हूँ, सो वो मुझे लिस्ट हॉरिजॉन्टल मैनर में देगा। अगर आपको कॉलम्स भी कितनी चाहिए वो आपको सेट करना है, तो आप रिपीट कॉलम्स प्रॉपर्टी में बाय डिफॉल्ट 0 है, आप उसको फॉर एग्जांपल 2 सेट कर सकते।
राइट, सो वो इस हिसाब से आपको डिस्प्ले करके देगा, राइट। ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू डिस्प्ले इमेज अकॉर्डिंग टू द इमेज पाथ फील्ड विद इन माई डेटा लिस्ट कंट्रोल। ऑलराइट, अगर आपको इमेज कंट्रोल ऐड करना है डेटा लिस्ट कंट्रोल के अंदर, व्हाट यू नीड टू डू, आपको स्मार्ट टैग में से सिलेक्ट करना पड़ेगा एडिट टेम्पलेट, राइट, दैट इज द लास्ट ऑप्शन। मैंने उसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप लास्ट रो देखोगे, इट इज अ ब्लैंक फील्ड, वहां पे आप कर्सर रखोगे और उसके साथ साथ उसके अंदर आप इमेज कंट्रोल को प्लेस करोगे, राइट। इमेज कंट्रोल को प्लेस करने के बाद हम प्रॉपर्टी विंडो में जाके हम विड्थ सेट करेंगे 100 पिक्सल्स और उसकी हाइट सेट करेंगे 100 पिक्सल्स, राइट। हमने उसकी हाइट और विड्थ सेट कर दी, दैट इज ऑफ इमेज कंट्रोल फ्रॉम प्रॉपर्टी विंडो। और एडिट टेम्पलेट करने के बाद आप देखोगे तो आप ये बाकी सारे फील्ड्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट दिस इमेज कंट्रोल, हाइट और विड्थ सेट करने के बाद आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा कि ये इमेज कंट्रोल के अंदर इमेज कहाँ से आएगी। सो उसके लिए आपको क्या करना है, इमेज कंट्रोल को सिलेक्ट करना है, उसके स्मार्ट टैग में से आपको सिलेक्ट करना है एडिट डेटा बाइंडिंग्स, एक ही ऑप्शन होगा, उसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप एडिट डेटा बाइंडिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे देखिए आपकी प्रॉपर्टी आएगी, उसमें से आप सिलेक्ट करोगे इमेज यू आर एल, इमेज यू आर एल के अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, सो फील्ड बाइंडिंग के अंदर बाउंड टू में से आप सिलेक्ट करोगे इमेज पाथ। अगेन आई रिपीट, फील्ड बाइंडिंग के ऑप्शन के अंदर बाउंड टू के अंदर आप सिलेक्ट करोगे इमेज पाथ, बिकॉज हमारे टेबल में इमेज पाथ के अंदर हमें इमेज का पाथ मिल जाएगा, एंड आई विल क्लिक ऑन ओके, राइट। सो ये पर्टिकुलर इमेज कंट्रोल के साथ हमारी इमेज पाथ फील्ड है जो टेबल के अंदर वो बाइंड हो गई है। नाउ आफ्टर दिस इमेज कंट्रोल मैं एक बटन कंट्रोल रखूंगी, राइट। आफ्टर दिस इमेज कंट्रोल आई विल प्लेस वन बटन कंट्रोल, राइट, और वो पर्टिकुलर बटन कंट्रोल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे, लेट्स टेक इट एज डिस्प्ले और लेट्स टेक इट एज सिलेक्ट, राइट। अगेन आई रिपीट, मैंने बटन कंट्रोल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट की सिलेक्ट। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग ओवर हियर इज आपको कमांड नेम प्रॉपर्टी सेट करनी है, बटन कंट्रोल की कमांड नेम प्रॉपर्टी आपको सेट करनी है, और कमांड नेम प्रॉपर्टी के अंदर आपको कमांड का नेम देना है, आपको इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है या फिर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है, सो कमांड नेम प्रॉपर्टी के अंदर आई विल राइट सिलेक्ट। अगेन आई रिपीट, कमांड नेम प्रॉपर्टी के अंदर आई विल राइट सिलेक्ट, इट मीन्स मैं जब भी ये बटन के ऊपर क्लिक करूंगी वो सिलेक्ट क्वेरी फायर करेगा, और सिलेक्ट क्वेरी फायर करने के बाद वो मुझे अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड की प्राइमरी की वैल्यू वो रिटर्न करेगा। मुझे ऐसा करना है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे बटन की कमांड नेम प्रॉपर्टी के अंदर सिलेक्ट लिखा है। सो नाउ व्हाट आई विल डू, डेटा लिस्ट कंट्रोल को मैं सिलेक्ट करूंगी, उसके स्मार्ट टैग में से आई विल सिलेक्ट एंड टेम्पलेट एडिटिंग, राइट, आई विल सिलेक्ट एंड टेम्पलेट एडिटिंग। सी ओवर हियर, जैसे ही मैंने एंड टेम्पलेट एडिटिंग किया, हमारा डेटा लिस्ट कंट्रोल जो पहले 5 वैल्यूज डिस्प्ले करता था, दैट इज 5 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करता था, अब सारे रिकॉर्ड्स के साथ इमेज कंट्रोल आ गया और उसके साथ साथ सिलेक्ट बटन भी आ गया। ऑलराइट, अब मुझे क्या करना है, ये जो सिलेक्ट की फंक्शनैलिटी है उसको एग्जीक्यूट करना है। तो फॉर दैट पर्पस व्हाट आई विल डू, डेटा लिस्ट कंट्रोल के ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगी। जैसे ही मैंने डेटा लिस्ट कंट्रोल के ऊपर डबल क्लिक किया, यहाँ पे हमें डेटा लिस्ट कंट्रोल की सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट मिली। अगेन आई रिपीट, डेटा लिस्ट कंट्रोल की सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट मिली। अब ये सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट के अंदर एज द नेम सेज, जैसे ही सिलेक्शन चेंज होता है ये इवेंट फायर होगी। सो मुझे क्या करना है, वो जो सिलेक्ट बटन रखा था ना, वो पर्टिकुलर बटन के ऊपर ये इवेंट फायर होगी। दैट्स वाई मैंने वो बटन के ऊपर कमांड नेम प्रॉपर्टी में सिलेक्ट लिखा था, ताकि जब भी मैं वहां पे सिलेक्ट बटन पे क्लिक करूं, ये सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट फायर हो जाए। और ये सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट के अंदर
यहाँ पे मैं लिखूंगी रिस्पॉन्स डॉट राइट विद इन दैट आई विल राइट डेटा लिस्ट वन दैट इज द नेम ऑफ माई कंट्रोल डॉट सिलेक्टेड वैल्यू राइट. मैंने क्या लिखा, डेटा लिस्ट वन की सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज जो वो सिलेक्ट बटन के ऊपर फायर होगी बिकॉज मैंने बटन की कमांड नेम प्रॉपर्टी में सिलेक्ट लिखा था. यहाँ पे मैंने लिखा है रिस्पॉन्स डॉट राइट मतलब वो पेज के ऊपर राइट करेगा. क्या राइट करेगा, डेटा लिस्ट की सिलेक्टेड वैल्यू राइट करेगा. और आपको पता है कि सिलेक्टेड वैल्यू प्रॉपर्टी प्राइमरी फील्ड की वैल्यू वो डिस्प्ले करेगा राइट. तो डेटा लिस्ट कंट्रोल की सिलेक्टेड वैल्यू प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे यूज किया तो वो प्राइमरी फील्ड की दैट इज यूजर आईडी वो हमें रिटर्न करके देगा. ऑलराइट, ये कोड व्यू मैं क्लोज करती हूँ. नाउ आफ्टर दिस ऑब्वियसली मैं बैक हाइपरलिंक रखूंगी, वो मैंने यहाँ पे रख दी. इसको मैं सेव करती हूँ ये पेज को राइट. एंड द पेज दैट वी विल डिजाइन नाउ इज आई थिंक एक पेज बाकी है दैट इज एम्प्लॉय लिस्ट ईएमपी लिस्ट डॉट एएसपीएक्स राइट. आई थिंक अभी एक ही पेज बाकी होगा दैट इज ईएमपी लिस्ट डॉट एएसपीएक्स. यस ओनली वन पेज इज लेफ्ट. मुझे क्या करना है ये पेज के ऊपर, ये पेज के ऊपर मैं टू कंट्रोल्स प्लेस करूंगी, लिस्ट बॉक्स कंट्रोल एंड रिपीटर कंट्रोल. लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के अंदर मैं कनेक्ट करूंगी डिपार्टमेंट का टेबल और रिपीटर कंट्रोल के अंदर मैं कनेक्ट करूंगी एम्प्लॉय का टेबल. लिस्ट बॉक्स में से मैं जो भी डिपार्टमेंट सिलेक्ट करूंगी अकॉर्डिंग टू दैट रिपीटर जो डेटा कंट्रोल है उसके अंदर मुझे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स चाहिए. सो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी सिलेक्ट DPT, उसके नीचे मैं प्लेस करूंगी लिस्ट बॉक्स कंट्रोल, इट्स ओवर हियर राइट. आफ्टर दैट आई विल राइट एम्प्लॉय रिकॉर्ड एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स एंड आफ्टर दैट फ्रॉम डेटा टैब आई विल प्लेस रिपीटर कंट्रोल. अगेन आई रिपीट फ्रॉम डेटा टैब आई हैव प्लेस रिपीटर कंट्रोल. अब मुझे क्या करना है, ये डेटा लिस्ट कंट्रोल के साथ मुझे TBR DPT टेबल को बाइंड करना है. तो डेटा लिस्ट कंट्रोल को मैं सिलेक्ट करूंगी, उसके स्मार्ट टैग में जाऊंगी, सी ओवर हियर चूज डेटा सोर्स, उसको मैं सिलेक्ट करूंगी. चूज डेटा सोर्स में फर्स्ट ऑप्शन वो मुझे पूछ रहा है नन या फिर न्यू डेटा सोर्स, ऑब्वियसली वी विल सिलेक्ट न्यू डेटा सोर्स. सो SQL डेटाबेस, ओके कनेक्शन स्ट्रीम. नेक्स्ट टेबल आई विल सिलेक्ट ऑब्वियसली TBR DPT राइट. TBR DPT टेबल सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट और लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम सिलेक्ट कर देते हैं बिकॉज हमें ये टू फील्ड्स की ही यहाँ पे जरूरत है. सो डिपार्टमेंट नंबर एंड डिपार्टमेंट नेम, नेक्स्ट टेस्ट क्वेरी एंड फिनिश राइट. जैसे ही मैंने फिनिश पे क्लिक किया वो मुझे दो चीज पूछ रहा है कि आपको कौन से फील्ड डिस्प्ले करनी है और कौन से फील्ड एज अ वैल्यू यूज करनी है. आपने VB.NET में ये किया हुआ है, अगर आप ऐसा कोई भी डेटा कंट्रोल यूज करते हो जिसके अंदर आपको इंटरनली कोई और फील्ड यूज करनी है और डिस्प्ले कोई और फील्ड करनी है तो वो भी आप कर सकते हो. लाइकवाइज यहाँ पे भी वो हमें टू फील्ड्स पूछ रहा है. ऑब्वियसली मैं डिस्प्ले करूंगी डिपार्टमेंट नेम, सो मैंने यहाँ पे ये कॉम्बो बॉक्स में सिलेक्ट किया दैट इज डेटा फील्ड टू डिस्प्ले कॉम्बो बॉक्स में मैंने सिलेक्ट किया डिपार्टमेंट नेम और डेटा फील्ड फॉर द वैल्यू उसके अंदर मैं रहने देती हूँ दैट इज डिपार्टमेंट नंबर. मतलब वो डिस्प्ले करेगा डिपार्टमेंट नेम लेकिन इंटरनली वो यूज करेगा डिपार्टमेंट नंबर एंड आई विल क्लिक ऑन ओके. पहले यहाँ पे अनबाउंड था, अब यहाँ पे डेटा बाउंड आ गया, मीन्स यहाँ पे हमने टेबल बाइंड किया है. Along with that, most important thing आपको यहाँ पे करना है that is आपको यहाँ पे auto post back का जो checkbox है उसको check करना है. Again I repeat, यहाँ पे auto post back का checkbox है list box के smart tag के अंदर, वो आपको check करना है. It is very important because list box के अंदर जैसे ही selection होगा हमें repeater control के अंदर data चाहिए right. और यहाँ पे हमने कोई भी बटन या ऐसा कोई कंट्रोल यूज नहीं किया है. सो व्हाट आई वांट टू डू, जैसे ही लिस्ट बॉक्स में सिलेक्शन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू दैट मुझे रिपीटर कंट्रोल में डेटा चाहिए. इट मींस मुझे ये पेज को पोस्ट बैक करना पड़ेगा लेकिन ऑटोमेटिकली पोस्ट बैक करना पड़ेगा.
इसलिए फॉर दैट पर्पज हमें यहाँ पे ये चेकबॉक्स को चेक करना पड़ेगा. ऑलराइट, नाउ रिपीटर कंट्रोल के अंदर हम सेट करते हैं. सो रिपीटर कंट्रोल का स्मार्ट टैग ओपन करते हैं. चूज डेटा सोर्स. फ्रॉम दैट अगेन वी विल सिलेक्ट न्यू डेटा सोर्स, एसक्यूएल डेटाबेस. ओके, कनेक्शन स्ट्रिंग. नेक्स्ट हमें कौन सा टेबल सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय. उसके अंदर फील्ड्स हम लेंगे एम्प्लॉय नंबर, नेम और सैलरी. राइट, वेयर, वेयर क्लॉज हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा. वेयर क्लॉज के अंदर हम क्या करेंगे, कॉलम में से डिपार्टमेंट नंबर सिलेक्ट करेंगे. ऑपरेटर इक्वल टू ही रहेगा. सोर्स कंट्रोल का है बिकॉज यहाँ पे लिस्ट बॉक्स में से हमें डेटा लाना है. कंट्रोल आईडी आई विल सिलेक्ट लिस्ट बॉक्स 1 बिकॉज हमने आईडी चेंज नहीं किया है. सो लिस्ट बॉक्स 1 रहेगा. आप यहाँ पे देखोगे वैल्यू में उसने बाय डिफॉल्ट ले लिया लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सिलेक्टेड वैल्यू, मतलब प्राइमरी की कॉलम की वैल्यू आएगी, दैट इज डिपार्टमेंट नंबर. आई विल क्लिक ऑन एड. आई विल क्लिक ऑन ओके. यहाँ पे क्वेरी में वेयर क्लॉज फिल हो गया. नेक्स्ट टेस्ट क्वेरी. टेस्ट क्वेरी के अंदर आई विल राइट 10 वैल्यू के साथ हम चेक करके देख लेते हैं. सी ओवर हियर 2 वैल्यूज आर डिस्प्लेड. फिनिश. राइट, यहाँ पे मैंने फिनिश के ऊपर क्लिक किया. बट द थिंग इज दैट मैंने फिनिश के ऊपर क्लिक किया, दूसरे सारे कंट्रोल्स के अंदर यहाँ पे हमें कंट्रोल में फील्ड्स दिखाई देती है, बट यहाँ पे रिपीटर कंट्रोल के अंदर हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. बिकॉज रिपीटर कंट्रोल अपने आप कोई भी फील्ड्स डिस्प्ले नहीं करेगा. अगेन आई रिपीट, रिपीटर कंट्रोल अपने आप कोई भी फील्ड्स डिस्प्ले नहीं करेगा. आपको उसके लिए सोर्स में जाके उसको फील्ड्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी. राइट, सो फॉर दैट पर्पस रिपीटर कंट्रोल को हम सिलेक्ट करेंगे, सोर्स में जाएंगे. सोर्स में आप देखोगे रिपीटर कंट्रोल आपको सिलेक्ट किया हुआ यहाँ पे मिल रहा है. इट्स ओवर हियर. राइट, यहाँ पे हमें रिपीटर कंट्रोल मिल रहा है. राइट, हमने डेटा सोर्स सेट भी किया है. सी सिलेक्ट क्वेरी भी है यहाँ पे, बट हमें उसने कोई भी फील्ड डिस्प्ले करके नहीं दी. सो इफ वी वॉन्ट टू डिस्प्ले द फील्ड, हमें क्या करना है, ये रिपीटर स्लैश रिपीटर के बीच में हमें उसको डिजाइन प्रोवाइड करनी पड़ेगी. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम डिफरेंट टेम्पलेट्स ऐड करने पड़ेंगे. सो फॉर दैट पर्पज फर्स्ट टेम्पलेट आई विल ऐड, दैट इज रिपीट हेडर टेम्पलेट. राइट, हेडर टेम्पलेट के अंदर आई विल ऐड टेबल. बिकॉज आपको पता है कि अगर आपको अच्छी तरह से डिस्प्ले करना है तो आपको टेबल यूज करना पड़ेगा. टेबल और उसकी बॉर्डर भी मैं सेट करूंगी 1 ताकि अच्छी तरह से वो डिस्प्ले करे. अब ये जो स्लैश टेबल है इसको आपको सिलेक्ट करके कट करना है और वो आपको ऐड करना है फुटर टेम्पलेट के अंदर. मतलब टेबल हेडर टेम्पलेट के अंदर स्टार्ट होगा और फुटर टेम्पलेट के अंदर वो कंप्लीट होगा. राइट, अगेन आई रिपीट, टेबल हेडर के अंदर स्टार्ट होगा और फुटर टेम्पलेट के अंदर वो एंड होगा. राइट, अब हमें क्या करना है, ये हेडर और फुटर के बीच में हमें वैल्यूज डिस्प्ले करने के लिए डिजाइनिंग करना है. सो आफ्टर स्लैश हेडर टेम्पलेट, राइट, हम क्या कर सकते हैं, आपको अगर अच्छी तरह से वो पर्टिकुलर ये टेबल के अंदर हेडर रखना है, दैट इज एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से डिस्प्ले करनी है, तो आप क्या करोगे, ये टेबल टेम्पलेट के अंदर आप TH टैग का यूज करोगे. ये आपको पता है, दैट इज टेबल हेडर. राइट, सो फॉर दैट पर्पज पहले मैं रो क्रिएट करती हूँ. रो के अंदर मैं TH टैग का यूज करती हूँ. फर्स्ट आई विल राइट एम्प्लॉय नंबर. राइट, सेकेंड TH टैग के अंदर आई विल राइट एम्प्लॉय नेम. थर्ड TH टैग के अंदर आई विल राइट सैलरी. राइट, सो ये मैंने हेडर यहाँ पे क्रिएट कर दिया, मतलब वो अच्छी तरह से बोल्ड में वो डिस्प्ले करेगा. अब मुझे क्या करना है, ये सारी फील्ड्स की वैल्यू डिस्प्ले करनी है. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रिपीटर कंट्रोल के अंदर अगर आपको फील्ड्स की वैल्यू डिस्प्ले करनी है, राइट, तो आपको आइटम टेम्पलेट का यूज करना पड़ेगा. जब तक आप आइटम टेम्पलेट का यूज नहीं करोगे, रिपीटर कंट्रोल कोई भी वैल्यू डिस्प्ले नहीं करेगा. राइट, सो हेडर स्लैश हेडर टेम्पलेट के बाद आई विल एड आइटम टेम्पलेट. राइट, आई विल एड आइटम टेम्पलेट. राइट, सो आइटम टेम्पलेट के अंदर अब आपको क्या करना है, आपको वो सारी वैल्यूज रखनी है जो आपको डिस्प्ले करनी है, दैट इज एम्प्लॉय नंबर,
एम्प्लॉय नेम और सैलरी। हमने रिपीटर कंट्रोल के साथ डेटा सोर्स तो बाउंड कर ही दिया है, मतलब रिपीटर कंट्रोल को इतना पता है कि उसे टीबीएल एम्प्लॉय टेबल का यूज करना है, बट वो टीबीएल एम्प्लॉय टेबल के अंदर से कौन से फील्ड कहाँ पे डिस्प्ले करनी है वो हमें यहाँ पे आइटम टेम्पलेट के अंदर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो फॉर दैट पर्पज अगेन मैं यहाँ पे एक रो क्रिएट करूंगी, रो के अंदर टीडी टैग मैं यूज करूंगी, राइट, रो के अंदर मैं टीडी टैग का यूज करूंगी। अब ये टीडी टैग के अंदर मुझे वैल्यू डिस्प्ले करनी है, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे देखो टीडी और स्लैश टीडी के बीच में अभी कर्सर ब्लिंक हो रहा है, अगर आपको टाइप नहीं करना है तो आप क्या करोगे स्टैंडर्ड टैब में से यहाँ पे एक लेबल कंट्रोल प्लेस कर दोगे। सी जैसे ही मैंने लेबल कंट्रोल के ऊपर टूल बॉक्स में डबल क्लिक किया टीडी और स्लैश टीडी के बीच में कर्सर ब्लिंक हो रहा था इसलिए उसने लेबल कंट्रोल यहाँ पे एड कर दिया, राइट। सो नाउ हम ये लेबल कंट्रोल के अंदर फॉर्मेटिंग करेंगे, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करेंगे। लेबल कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी मैं रखती हूँ ENO, बिकॉज मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर डिस्प्ले करना है, और उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं चेंज करूंगी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान से नोट डाउन करना, सिंगल कोट, राइट, दैट इज विद इन सिंगल कोट आई एम यूजिंग एंगल ब्रैकेट परसेंटेज। जैसे ही मैंने एंगल ब्रैकेट परसेंटेज किया परसेंटेज एंगल ब्रैकेट अपने आप आ गया। After that, I am using hash eval, right? I am using hash और hash के साथ मैंने लिखा eval function. Eval function के अंदर I am specifying the name of the column, that is empno. The name of the column within my table is empno, right? So मैंने क्या किया? TD tag के अंदर label control place किया, उसकी ID change की, that is eno. और टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने एंगल ब्रैकेट परसेंटेज टैग का यूज किया विद इन सिंगल कोटेशन, हैश वैल्यू डेटा बाइंडिंग का यूज किया, दैट इज हमने यहाँ पे हैश यूज किया है, उसके साथ मैंने इवेल फंक्शन का यूज किया। इवेल फंक्शन के अंदर हमें वो कॉलम का नेम स्पेसिफाई करना है जो जिसकी वैल्यू हमें टेबल में से गेट करनी है, सो मैंने यहाँ पे लिखा empno। नाउ व्हाट आई विल डू, लाइकवाइज हम फिर से ये TD टैग को कॉपी पेस्ट करेंगे बिकॉज मुझे एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले करना है, राइट, सो मैंने यहाँ पे कॉपी किया, आई विल पेस्ट इट ओवर हियर। सो अगेन एक TD यहाँ पे क्रिएट हो गया, राइट, लेबल का आईडी मैं सेट करूंगी ENM, दैट इज फॉर एम्प्लॉय नेम, और इवेल फंक्शन में हमें कौन से फील्ड की वैल्यू लानी है, दैट इज एम्प्लॉय नेम, सो वो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। And the last column that I need is salary. So again, मैंने वो TD tag का पूरा copy paste किया. ID I will write it as SAL, that is for salary, right? And text property I will set it as salary because salary field में से मुझे value लानी है, right? And I will save it. Right? जैसे ही मैंने उसको save किया, राइट, अब हम डिजाइन में जाते हैं, सी ओवर हियर। अब हमें पूरी डिजाइन रिपीटर कंट्रोल के अंदर दिखाई दे रही है बिकॉज हमने एक्सप्लिसिटली वहां पे हेडर टेम्पलेट, आइटम टेम्पलेट और अल्टरनेटिंग आइटम सॉरी फुटर टेम्पलेट का यूज किया है, राइट। नाउ अनदर थिंग इज दैट अगर आपको कुछ फॉर्मेटिंग करना है, राइट, सो हम क्या करेंगे, आई एम डूइंग ये हम आइटम टेम्पलेट को कॉपी करते हैं, सॉरी आइटम टेम्पलेट पूरा नहीं कॉपी करते हैं, हम दूसरा टेम्पलेट ऐड कर देते हैं, दैट इज अल्टरनेटिंग आइटम टेम्पलेट, राइट। अल्टरनेटिंग आइटम टेम्पलेट के अंदर मैं ये TR, दैट इज रो को मैं कॉपी करती हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करती हूँ, राइट, मैंने क्या किया, रो को कॉपी किया और नीचे पेस्ट किया, मतलब मुझे सारे कॉलम्स भी मिल जाएंगे। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, मैं यहाँ पे ये TD को सिलेक्ट करती हूँ, राइट, TD के अंदर मैं प्रॉपर्टी विंडो में BG कलर सेट करती हूँ, लेट्स टेक इट सम लाइट कलर, दैट इज दिस वन, और ओके पे मैं क्लिक करती हूँ। सी डिजाइन में आप देखोगे सो अल्टरनेटिंग आइटम टेम्पलेट मैंने यूज किया तो एक रो व्हाइट में आई और दूसरी रो वो पर्टिकुलर कलर जो मैंने सिलेक्ट किया था उसमें आई, लेकिन सिर्फ वो एम्प्लॉय नंबर के लिए हुआ बिकॉज मैंने एक ही टीडी के अंदर अभी वो स्पेसिफाई किया है। नाउ व्हाट आई विल डू, ये जो बीजी कलर यहाँ पे आया है
उसको मैं कॉपी करती हूँ और सारे टीडी के अंदर मैं पेस्ट कर देती हूँ, राइट। नाउ सी ओवर हियर, देखो एक रो पूरी व्हाइट में आई और दूसरी रो जो मैंने कलर सिलेक्ट किया था उसमें आई। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अल्टरनेटिंग आइटम टेम्पलेट। एज द नेम सेज, अल्टरनेटिंग आइटम टेम्पलेट के अंदर क्या होगा, अल्टरनेटिंग रोज आप फॉर्मेट कर सकते हो, लेकिन आप अल्टरनेटिंग आइटम टेम्पलेट यूज नहीं भी करोगे, सिर्फ आइटम टेम्पलेट यूज करोगे फिर भी वो डिस्प्ले करेगा, राइट। यहाँ पे हम बैक हाइपर लिंक रख देते हैं। सो टेक्स्ट में मैं लिखती हूँ बैक, और नेविगेट यूआरएल में मैं लिख कर सेट करती हूँ पेज दैट इज डिफॉल्ट डॉट एएसटीएक्स। इसको हम सेव करते हैं। अब सारे पेजेस डिजाइन हो गए हैं, सो मैं डिफॉल्ट को स्टार्ट पेज सेट करती हूँ, राइट, और मैं वेबसाइट को एग्जीक्यूट करती हूँ। ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करेंगे सो वो हमें पूछेगा, आई विल क्लिक ऑन ओके वेब डॉट कॉन्फिग फाइल को मॉडिफाई करने के लिए। आपने ये एग्जाम्पल में देखा कि हमने कोई भी क्वेरी खुद से नहीं लिखी है, राइट, हमने सारी चीजें विजार्ड से की है। नाउ लेट्स डू वन थिंग, पहले हम एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स पेज को ओपन करते हैं। सी हमारे पास एम्प्लॉय के 5 रिकॉर्ड्स है, सो फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकेंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, फोर्थ रिकॉर्ड, फिफ्थ रिकॉर्ड, राइट, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अगर मुझे कोई रिकॉर्ड एडिट करना है सो मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूंगी। सी ओवर हियर, यहाँ पे मैं सैलरी, लेट्स मेक इट 60,000 टू 70,000 मैंने किया और मैं अपडेट पे क्लिक करती हूँ। सी अब ये जो रिकॉर्ड है वो एम्प्लॉय नंबर 1 का रिकॉर्ड है जिसकी एडिट की लिंक के ऊपर मैंने क्लिक किया था, उसकी सैलरी अब बन गई 70,000। मैंने ना ही यहाँ पे अपडेट क्वेरी लिखी है ना ही कोई भी कोडिंग किया है, फिर भी उसने अपने आप सारी क्वेरीज जनरेट करके मुझे ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की है, राइट। हम न्यू पे क्लिक करेंगे, सो लेट्स टेक इट एज 6। एम्प्लॉय नेम हम देते हैं एबीसी, सैलरी हम देते हैं 10,000, डिपार्टमेंट नंबर लेट्स टेक इट एज 10, एंड आई विल क्लिक ऑन इंसर्ट। सी जैसे ही मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, लास्ट रिकॉर्ड यहाँ पे एड हो गया, दैट इज 6 नंबर का रिकॉर्ड, राइट। एंड दिस इज फॉर्म व्यू कंट्रोल। आपको याद होगा हमने पहले पेज के ऊपर फॉर्म व्यू कंट्रोल रखा था। बैक करेंगे, लिस्ट आया, डिपार्टमेंट इन्फो। नाउ दिस इज डिटेल्स व्यू कंट्रोल। सी टेब्यूलर फॉर्मेट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है डिटेल्स व्यू कंट्रोल, और डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। सो अगेन सेम फंक्शनैलिटी है, आप न्यू करोगे तो वो आपको डिपार्टमेंट ऐड करने के लिए बोलेगा, दैट इज 40। लेट्स टेक इट एज परचेज डिपार्टमेंट, राइट। लोकेशन लेट्स टेक इट एज सूरत, एंड आई विल क्लिक ऑन इंसर्ट। सो वो फोर्थ डिपार्टमेंट उसने इंसर्ट कर दिया। डिपार्टमेंट डिटेल्स लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो सी ओवर हियर डेटा लिस्ट कंट्रोल, जो वर्टिकल मैनर में लिस्ट के फॉर्म में उसने हमें सारे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन दे दी, राइट। ये लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पे जाएगा, बैक के ऊपर क्लिक करते हैं। नाउ दिस वन गेट एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंट नंबर ऑब्वियसली हमें पूछेगा, हम यहाँ पे देते हैं 20 और गेट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने गेट के ऊपर क्लिक किया, सी ओवर हियर यहाँ पे हमें क्वेरी स्ट्रिंग दिखाई दे रही है, दैट इज एम्प्लॉय इन्फो डॉट एएसटीएक्स पेज, क्वेश्चन मार्क, DNO इज इक्वल टू 20, बिकॉज हमने डिपार्टमेंट नंबर 20 दिया था, राइट। आप यहाँ पे शॉर्टिंग भी कर सकते हो, सी असेंडिंग डिसेंडिंग के अंदर वो शॉर्टिंग कर रहा है, सैलरी के ऊपर भी आप शॉर्टिंग कर सकते हो, राइट। ऑल राइट, आपको अगर कोई रिकॉर्ड एडिट करना है तो आप ये एडिट के लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी वो एडिट करने देगा, राइट। सी ओवर हियर 60,000 सैलरी हो गई बिकॉज हमने उसकी एडिट के लिंक के ऊपर किया था, राइट। सो दिस इज ग्रिड व्यू कंट्रोल, जिसके अंदर हमने ये सारी लिंक्स प्रोवाइड की है और शॉर्टिंग किया है। बैक के ऊपर क्लिक करेंगे, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, यहाँ पे ये फर्स्ट ग्रिड व्यू कंट्रोल है जिसके अंदर मैं जो डिपार्टमेंट सिलेक्ट करूंगी उसके हिसाब से यहाँ पे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे। सी 10 नंबर का डिपार्टमेंट, 20 नंबर का डिपार्टमेंट, 40 नंबर का डिपार्टमेंट के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है बिकॉज हमने अभी वो डिपार्टमेंट ऐड किया, 30 नंबर का डिपार्टमेंट, राइट। मैं इसको शॉर्टिंग भी कर सकती हूँ, सी शॉर्टिंग हो रहा है, राइट। सो दिस टू आर ग्रिड व्यू कंट्रोल्स।
जिसके अंदर फर्स्ट ग्रिड व्यू में से हमने सिलेक्ट की लिंक का यूज करके हमने डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया और दूसरे ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर उसके एम्प्लॉयज को डिस्प्ले किया। बैक यूजर इन्फो, राइट, सी ओवर हियर, हमने यहाँ पे यूजर इन्फो के अंदर ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर इमेजेस डिस्प्ले की थी। सो ये रिकॉर्ड है पर्टिकुलर यूजर का और उसके साथ हमने ये जो होटल 3.jpg इमेज सेट की थी वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन वो ओरिजिनल साइज की इमेज दे रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे, मैंने जानबूझ के उसकी हाइट और विड्थ नहीं सेट की थी आपको दिखाने के लिए कि अगर आप उसकी हाइट और विड्थ सेट नहीं करोगे तो वो ओरिजिनल फॉर्म में इतनी बड़ी इमेज देगा, राइट। सो यहाँ पे ये जो 3 यूजर्स है उसकी आपको इमेजेस भी यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर बिकॉज हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फील्ड एड की थी इमेज फील्ड टाइप की पिक और उसके अंदर हमने ये इमेज सेट की थी। ऑलराइट, अगेन बैक के ऊपर क्लिक करते हैं, यूजर डिटेल्स, सी डेटा लिस्ट कंट्रोल के अंदर हमने इमेज कंट्रोल प्लेस किए थे, उसकी हाइट और विड्थ सेट की थी 100 pixels। सो अच्छी तरह से हमें छोटी इमेज विथ यूजर दिखाई दे रही है। मैं ये सेकंड यूजर है उसकी सिलेक्ट के बटन के ऊपर मैं क्लिक करती हूँ, सी ओवर हियर, पेज के ऊपर उसने हमें 2 रिट्राइव करके दिया बिकॉज हमने रिस्पॉन्स डॉट राइट का यूज किया था। सो उसने पेज के ऊपर वो डिस्प्ले किया और सेकंड यूजर के सिलेक्ट के बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया था इसलिए उसने यहाँ पे 2, दैट इज द प्राइमरी की वैल्यू 2 हमें वो रिट्राइव करके दिया। लेट सिलेक्ट ऑन 3, सी ओवर हियर, हमें यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, राइट। ऐसा फॉर्मेटिंग आप कब कर सकते हो, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर प्रोडक्ट की डिटेल्स, उसकी इमेज और पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है तो आप ये ऐसा डेटा लिस्ट कंट्रोल के अंदर टेम्पलेट एडिटिंग करके आप प्रोवाइड कर सकते हो। बैक के ऊपर हम क्लिक करेंगे, एम्प्लॉय लिस्ट, सी लिस्ट बॉक्स के अंदर हमें एम्प्लॉय का लिस्ट मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में सिलेक्ट करूंगी सो मैन्युफैक्चरिंग के एम्प्लॉयज आएंगे। एडमिन सिलेक्ट करूंगी सो एडमिन का एम्प्लॉय आएगा। सेल्स सिलेक्ट करूंगी, सेल्स के एम्प्लॉय आएंगे। परचेस सिलेक्ट करूंगी तो ऑब्वियसली वो कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा बिकॉज उसके अंदर कोई भी एम्प्लॉयज नहीं है। ये लिस्ट बॉक्स कंट्रोल है जिसके अंदर हमें डिपार्टमेंट का लिस्ट दिखाई दे रहा है और ये रिपीटर कंट्रोल है जिसके अंदर हमने खुद फॉर्मेटिंग करके सारी वैल्यूज कनेक्ट की थी। नाउ आई क्लिक ऑन बैक, राइट स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट डेटा कंट्रोल्स। हमने बेसिक फंक्शनैलिटी के साथ थोड़े बहुत फीचर्स के साथ सारे डेटा कंट्रोल्स देखे एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा कंट्रोल इज हमें यहाँ पे कोई भी क्वेरी खुद नहीं लिखनी है। उसने हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि हम कैसे क्वेरी अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट करवा सकते हैं, राइट। समझ में आया स्टूडेंट्स? ऑलराइट, सो लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड करते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो, मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, राइट।